अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, विंटर्स को बहुत भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। विंटर के इंजॉयमेंट के साथ साथ हमें कुछ एक्स्ट्रा जो है केयर अपनी स्किन की भी करनी पड़ती है, अपने हाथों की करनी पड़ती है, क्योंकि विंटर्स में हमारी स्किन, हमारे हाथ काफ़ी ड्राई हो जाते हैं, काफ़ी बेरोनकेस हो जाते हैं। इससे रिलेटेड मैं बड़ी ही आजमूदा यूज़फुल टिप आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, जो हमारे हाथों को काफ़ी सफल करेगा, सॉफ्ट करेगा, वाइट करेगा और ब्राइट रखेगा। इसके लिए हमें एलोवेरा जेल, ग्लिसरीन और क्या कहते हैं रोज़ वाटर, विटामिन ई के कुछ टैबलेट्स हो गए, लेमन जूस कर लेंगे, एसेंशियल ऑयल आपके पास लेमन का है, ऑरेंज का है, वो भी इसमें डाल सकते हैं। चलिए जब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 2-3 चम्मच के करीब मैं यहाँ पे अरके गुलाब मतलब के रोज़ वाटर ऐड कर लूँगी। सारा काम अंदाजे के से होता है, लेकिन मैं आपको साथ बता भी रही हूँ। फिर 1 चम्मच के करीब इसके अंदर मैं एलोवेरा जेल ऐड करूँगी। आप कोशिश करें कि आप इसमें फ्रेश एलोवेरा जेल मत डालिएगा। और उसके बाद जो है मैं इसके ग्लिसरीन 1/2 चम्मच के करीब मैं ऐड करूँगी। इस तरीके से ऐड अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स करूँगी। विटामिन ई के 3 टैबलेट्स में डालूँगी। विटामिन ई स्पेशली विंटर्स में हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो कोशिश करें स्किन केयर में विटामिन ई को यूज़ किया करें, स्पेशली इन विंटर्स में। यहाँ पे मेरे पास एसेंशियल ऑयल है, तो मैं इसमें 3 से 4 ड्रॉप्स में डाल रही हूँ ऑरेंज लेमन या ऑरेंज एसेंशियल ऑयल के। आप चाहें तो फ्रेश लेमन के ड्रॉप्स भी डाल सकते हैं। इनको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। देखिए स्पून से मिक्स नहीं हो रहा था, फिर मैंने फोर्क की मदद से इसको मिक्स किया। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसको बहुत प्यारी सी छोटी सी खूबसूरत सी बॉटल में आपने इसको डालना है, जैसे कि मैं डाल रही हूँ। बॉटल जितनी अट्रैक्टिव होगी उतने इसको यूज़ करने का मज़ा भी आता है और अच्छा भी लगता है। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए कि प्रेजेंटेशन जो है ना काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आप इसको बॉटल को टाइट बंद करके आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। 20 दिन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे अच्छा से मैं शेक करके आपको दिखाऊंगी, उसके बाद मैं आपको यूज़ करके भी दिखाऊंगी जो आपके स्किन को कितना सॉफ्ट रख सकता है। ये एक स्प्रे मैंने अपने हाथ पे किया और अच्छे से मैंने इसको मिक्स किया। मुझे इस वक्त फील भी हो रहा था कि मेरे हाथ बहुत सॉफ्ट हो रहे हैं, बहुत मतलब कि स्किन के ऊपर जो ड्राइनेस थी वो ख़त्म हो रही है। स्किन को मज़ीद सॉफ्ट करने के लिए आपको अपने हाथों को जो है एक्सफोलिएट भी करना चाहिए। आपके साथ इसकी वीडियो मैं बाद में शेयर करूँगी, जब तक के लिए आप इसको इंजॉय करें, मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नई टिप के साथ, वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।